Hi friends, we have with us today Ravish Keti, who just cleared SBI PO. So now he's a probationary officer at the biggest bank of the country. Ravish took all these exams this season, and we, in this small interaction, would ask Ravish about his journey, his experience, how he prepared, his strategy, and all those things that you generally keep asking the successful aspirants about. So Ravish, start by telling something about yourself. कुछ भी बताइए अपने बारे में. जिससे हम आपको थोड़ा सा बेहतर जान पाएं। सर, मेरा पूरा नाम है रवीश केटी। आई बिलोंग टू भोपाल, मध्य प्रदेश। आई हैव डन माय स्कूलिंग, माय ग्रेजुएशन भोपाल इटसेल्फ, एंड आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन बीकॉम टैक्सेशन, जो प्लेन बीकॉम होता है नॉर्मल, इन जून 2019 मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। देन आई शिफ्टेड माय फोकस इन प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स। के बाद बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी चालू की हमने, एंड इतनी बार फेल हुए हैं, लाइक जितने भी एग्जाम्स हुए 19 सेशन में, 20 में भी जो एग्जाम्स हुए। फेल तो नहीं दिखता आपने, जून 19 में तो ग्रेजुएशन ही करा है अपना। सर स्टिल लाइक मेरा जो पहला पेपर था, जब माय फर्स्ट पेपर, इट वाज लाइक आरआरबी क्लर्क। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद सोचा कि फॉर्म फिल करते हैं, तो मैं आई जस्ट एंटर्ड इन द एग्जाम सेंटर विदाउट माय पेन एज वेल। पेन भी कैरी नहीं किया था, एंड जस्ट देखने के लिए क्या होता क्या है, एग्जाम बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कैसे करते हैं। तो पेपर दिया, देन थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। Then I joined a local coaching institute, भोपाल का बहुत फेमस था, लेकिन वहाँ उतना को गेन नहीं कर पाया, क्योंकि बिकॉज लाइक दिस एग्जाम था लाइक ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो यहाँ आप एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो गेन नहीं कर पाते। बट आई मेट अ मेंटर वहाँ, मुझे एक बहुत अच्छे टीचर मिल गए थे। ही इज अ बैंकर बाय प्रोफेशन, ललित मुलानी उनका नाम है, एंड ही ओनली सजेस्टेड मी कि आप मेरिट साइंस ज्वाइन करें, और ही यूज टू गाइड हिम पर्सनली एज वेल। वो मेरे सारे मार्क्स को एनालाइज करते थे, बताते कहाँ गलती हो रही है, जल्दी लाइक लास्ट मोमेंट तक उन्होंने मुझे साथ दिया, अभी भी देते हैं। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मेरिट शोइंग ज्वाइन कीजिए, एंड ही सेड कि इफ यू विल फॉलो देम यू विल डेफिनेटली क्रैक एसबीआई पीओ। और सर एसबीआई पीओ लाइक इट्स अ ड्रीम फॉर एवरीवन, लाइक आफ्टर आरबीआई ग्रेड बी आई गेस एसबीआई पीओ इज द बिगेस्ट एग्जाम इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन अ कंट्री। तो एंड हार्डली 2000 सीट्स फॉर 10 लाख पीपल, आई गेस अराउंड 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं हर साल ये। हां, वो वेरी करता है, 10 लाख होते हैं, कभी 20 लाख होते हैं, चेंज होता रहता है। हां सर, लेकिन सर बिकॉज इट्स लाइक इट्स ऑल्सो हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और जैसा उनका पैटर्न है, मेंस का 75% वो वेटेज लेता है और इंटरव्यू का 25%, लेकिन इंटरव्यू भी उतना ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि इवन जिसने कट ऑफ हार्डली क्रॉस किया है 0.5 या 1 नंबर से, वो भी क्रैक कर सकता है अगर वो इंटरव्यू में अच्छा। आपका क्या ब्रेकअप था रवीश फाइनल, उसमें एसबीआई के फाइनल स्कोर में कितना स्कोर था, कितना? I scored 108 in mains exam. Cut off was 88, I guess. तो मेरे पास 20 marks का buffer था mains exam में. And in interview I scored 47 out of 50. 47 out of 50 is phenomenal. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. But थोड़ा सा एक बार ना, let's take a step back and थोड़ा सा और let's talk about the complete thing. पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, या अपने preparation के बारे में बताया. इस आपने जून 19 में ग्रेजुएशन पूरा किया, और क्या करते थे लाइफ में, क्या मतलब इन जनरल आई एम आस्किंग कि क्या करा करते थे? अच्छे स्टूडेंट थे, आपके मार्क्स इतने बढ़िया है ना रवीश कि सबको लगेगा ये ना स्ट्रगल के बारे में बकवास कर रहा है, इसने तो बढ़िया करने का स्टूडेंट था, इसके लिए मैं पूछ रहा हूं। ऐसा कि आपने स्कूल में ग्रेजुएशन में बताइए थोड़ा सा। आई वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट सर, मतलब ऐसा कुछ खास पढ़ाई में थे नहीं हम, एंड आई यूज्ड टू लव प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलता हूं, अभी भी खेलता हूं, एंड हमने यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया है, स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है, तो ज्यादा टाइम हम खेलने में ही लगा दिया करते थे। और स्कूल में ऑर्डिनरी थे, मतलब आई हैव फेल्ड, मैं 11th में मैंने अपनी मैथ्स की सप्लीमेंट्री एग्जाम दी थी, सो मैंने मेरे खुद के अप्स एंड डाउन्स थे। मैंने 12th में फिर स्कूल में अकाउंटेंसी टॉप भी किया था, सो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। कॉलेज में लाइक आई डोंट रिमेंबर कि मैंने शायद आधे लेक्चर्स भी अटेंड किए होंगे, आई यूज टू स्पेंड माई टाइम ऑन द फील्ड ओनली। टीचर्स कुछ नहीं बोलते थे आपको? टीचर्स प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं देते थे, तो उससे मेरा परसेंटेज ही डाउन हो गया फाइनल। टीचर्स बोलते थे हम आपको खेलने की डिग्री नहीं दे रहे हैं, आपको बीकॉम की डिग्री दे रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे, अटेंडेंस के मार्क्स नहीं मिलते थे, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स नहीं मिलते थे, बट आई यूज्ड टू एंजॉय माय लाइफ। कॉलेज लाइफ मैंने अच्छे से एंजॉय की, खेलने में टाइम स्पेंड किया, चीजें सीखी हैं। कॉलेज में मैंने आई फेल्ड इन वन एग्जाम, एक बैक थी मेरी, तो वो मैंने नेक्स्ट टाइम क्लियर कर दी, और ये सब चीजें मेरे फेलियर्स मेरे पेरेंट्स मेरे फैमिली वालों को नहीं पता है, तो जब ये वीडियो डलेगी तो इट वुड बी अ सरप्राइज फॉर देम एज वेल, सो इट्स ओके सर, क्योंकि आपको आई एम श्योर वो अभी आज आपको कुछ नहीं बोलने वाले हैं अब इसके बाद। यस सर, तो आफ्टर जून 19 जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो अच्छा मेरे को कॉलेज से एक प्लेसमेंट मिल गया था। आई हैड अ लाइक एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर की पोस्टिंग थी मेरे पास, इट वाज अ डिसेंट पैकेज,
बट माई पेरेंट्स वॉन्टेड कि क्योंकि मम्मी भी मेरी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सब गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं, सो दे वॉन्टेड मी टू प्रिपेयर फॉर अ गवर्नमेंट सेक्टर जॉब. लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आई हैड ऑप्शन फॉर बैंकिंग और SSC अपार्ट फ्रॉम लाइक इफ PSC एग्जाम्स को हम साइड रखें तो, क्योंकि तो सर SSC का थोड़ा प्रोसेस स्लो है, बैंकिंग एग्जाम्स रिकरिंग होते हैं, छह एग्जाम्स होते हैं थोड़े थोड़े मंथ्स के गैप में. एंड जब मैंने कोर्स देखा तो मुझे बैंकिंग में ज्यादा अट्रैक्शन फील हुआ, स्पेशली SBI, क्योंकि SBI की जो प्रोफाइल है लाइक आई हैव डन सम फ्रेंच लैंग्वेज कोर्सेज एज वेल, मुझे फ्रेंच आती है बोलना. ओके तो SBI एक ऐसा बैंक है जो आपको फॉरेन पोस्टिंग देता है, फ्रांस में एक SBI की ब्रांच है, एंड SBI के ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो मैं अपना बास्केटबॉल भी कंटिन्यू कर सकता हूँ SBI में काम करते करते. तो SBI से थोड़ा अट्रैक्शन हुआ ही था. तो फिर भी हमने बैंकिंग एग्जाम्स दिए थे, तो पहले जब तैयारी चालू की तो IBPS PO 19 प्रीलिम्स आउट, फिर IBPS क्लर्क 19 प्रीलिम्स आउट, फिर RBI असिस्टेंट दिया था हमने जनवरी में, जनवरी 2020. उसका कट ऑफ, वो पेपर अच्छा गया था लेकिन उसका कट ऑफ इतना हाई रहता है बिकॉज लाइक बहुत कम सीट्स रहती है, हार्डली देर आर 20-22 सीट्स. तो आई वॉज प्रीलिम्स आउट, फिर SBI क्लर्क हुआ, SBI क्लर्क वेंट रियली वेल, आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्लियर दिस टाइम. और उसके बाद आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज लाइक फोकसिंग ओवर मेंस. लेकिन उसके बाद फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया अपना. तो लॉकडाउन में भी मैंने लाइक आई डिडंट गिव इन अप, लाइक मैं पढ़ता था, नॉट लाइक पूरा अच्छे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आई वॉज गिविंग 2 hours 4 hours जितना डिवोट कर सकते थे. एंड आई वॉज गिविंग ऑलिव बोर्ड फ्री लॉकडाउन मॉक्स डेली, वो डेली एक मॉक आता था ऑलिव बोर्ड का, एंड लाइक बहुत अच्छा लगता था उसको मॉक को देख के कि लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी तैयारी करनी चाहिए. बट लॉकडाउन के टाइम पे बिल्कुल सीरियसली पढ़ पाए थे क्या रवीश? मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे हम लोग के स्टूडेंट्स, दे वर लाइक कंप्लीटली डिसओरिएंटेड एट दैट टाइम, बिल्कुल ही बेचारों ने पढ़ाई छोड़ दी, एंड मेनी पीपल सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट. आप पढ़ पा रहे थे उस समय ठीक से? हाँ सर, क्योंकि मेरे जो लोकल मेंटर थे ही टोल्ड मी कि SBI PO आएगा, IBPS PO भी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, अपने को एग्जाम देने हैं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. हम आधे रास्ते पहुंच गए, SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट ड्यू था, मींस होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि वैकेंसीज कैंसिल कर देंगे बैंक वाले, उनको तो एम्प्लॉइज सही है ना. तो आई वॉज फोकस्ड एंड आई फोकस ऑन माई क्वांट एंड मैथमेटिक्स सेक्शन की, क्योंकि एक वो चीज है जिसके आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. रीजनिंग का आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी होल्ड हो जाएगी पजल्स में. इंग्लिश आप डेली, अगर आप यू आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन योर डेली शेड्यूल, यू विल हैव अ गुड होल्ड ओवर इट. लेकिन मैथ्स और सर आपको भी पता है, यू आर अ क्वांट फैकल्टी सर, विद डे बाय डे कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जा रहे हैं. बट हाउ गुड वर यू एट मैथ्स जनरली? आई मीन जैसे पहले से स्कूल वगैरह में कैसे नंबर आते थे, कॉलेज में कैसे आते थे? बिकॉज पीपल हैव थिंक कि मैं अच्छा नहीं हूँ तो अच्छा नहीं हूँ. नो नो सर, दिस इज अ वेरी रॉन्ग मिथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क कि आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो. सर उनको इंजीनियरिंग वाला मैथ्स नहीं चाहिए बैंक में, दे वॉन्ट अरिथमेटिक मैथ्स जो हर नॉर्मल इंसान कर सकता है. अगर कोई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से भी पास आउट है तो वो भी कर सकता है, किसी ने BSc किया है, BCom किया है, BA किया है, BBA, एनीथिंग. बस ये कि आपको थोड़ा अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स ऑल लाइक परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन. आई स्टिल रिमेंबर सर, आपने हमें जो टाइम एंड वर्क पढ़ाया, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया, पीपल यूज टू लाइक वो कॉन्सेप्ट्स रटते थे, फॉर्मूले रटते थे. आपने जैसे हमें सिखाया कि हम तो सिर्फ परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन से सारे आंसर निकाल लेते थे. तो सर इसमें एक बात बताओ, ये जो चीज है जिसमें मतलब मैं स्पेशली इसको पूछ रहा हूँ बिकॉज people find it difficult at times because I understand that the way we were taught in school is very different from the way we are expected to perform or solve these problems at the time of competitive exams. So adapting exactly, to this sir. approach, how difficult was it for you? I'm asking this specifically because you're somebody who is if not great at maths, at least decent or above average in maths, let's put it like that, right? So aapke liye yes, approach pe adapt karna kitna mushkil tha, aapne kitna effort mara iske liye? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सबसे पहले हमें टेबल्स याद करने पड़ते थे, बिकॉज आफ्टर ऑल इफ यू आर यू गिविंग अ प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ बैंक, यू हैव 35 क्वेश्चंस एंड यू हैव 20 मिनट्स. तो आपको अगर आप टेबल्स कैलकुलेट करने बैठोगे तो आप क्या, तो ट्रेन छूट जाएगी. इट्स लाइक कि आपको यू हैव ऑल द टेबल्स ऑन योर फिंगर्स, इवन स्क्वायर्स, इवन क्यूब्स. ऑल्सो आपकी एक वैदिक मैथ्स की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, तो वो मैंने अच्छे से देखी. कर लिया है तो आप बहुत सारा टाइम बचा लोगे अपने एग्जाम में जब अपियर करोगे. तो वैदिक मैथ्स लाइक रियली वंडरफुल, तो वो बहुत चीज हेल्प की. इवन इन टेबल्स में भी अगर कई बार आपको कोई स्क्वायर क्लिक नहीं करा तो आप फटाक से कैलकुलेट कर देते थे वैदिक मैथ्स को यूज करते हुए.
एंड तो और सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, सबसे पहले स्पीड मैथ्स पे फोकस किया था क्योंकि प्रीलिम्स में तो स्पीड मैथ्स ही आता है। बट लेकिन साइड बाई साइड अरिथमेटिक एंड डीआई पे फोकस चल रहा था क्योंकि मेंस में तो अरिथमेटिक एंड डीआई पे आपको आपको बचा पाएंगे, बिकॉज स्पीड मैथ्स, सो आई कांट सी स्पीड मैथ्स इन मेंस पेपर। ये सर तो दोनों की तैयारी मैंने साथ में ही चालू की थी। एंड फॉर रीजनिंग आई वुड सजेस्ट कि रीजनिंग में सर जितने ज्यादा अपन पजल सॉल्व कर सकें, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी, मैंने कोई लाइक कोई पीडीएफ सॉल्व नहीं की, आई जस्ट यूज टू गिव मॉक्स। जितने ज्यादा मॉक देता था उनको अच्छे से एनालाइज करता था, तो डेली इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो ही जाती थी। पूरा सो बताओ दिस रमेश वाज जी, लाइक क्या प्रोसेस था? जैसे आपने पजल्स की बात की, यू सेड कि दैट यू आर गुड एट पजल्स बाद में, बट आपने मॉक यस सॉल्व सर। किए। ये थोड़ा सा ना ग्रे एरिया है, बिकॉज मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को, कुछ और लोग ये स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं कि कुछ भी मत करो, सिर्फ मॉक सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो आई वॉन्ट अ क्लैरिफिकेशन हियर कि आपने एग्जैक्टली क्या किया, बिकॉज मैं नहीं चाहता ये मैसेज किसी को गलत जाए। आप एग्जैक्टली बताओ, फॉर यस एग्जाम्पल सर। पजल्स में आपने क्या किया, कैसे किया? सर पजल्स आर लाइक सर यू ऑल्सो नो डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स रहते हैं, सर्कुलर बेस्ड रहेंगे, स्क्वायर बेस्ड रहेंगे, कई आजकल तो सर्कल और स्क्वायर बेस साथ में मिक्स होकर आ जाते हैं, ब्लड रिलेशंस ऐड ऑन कर देते हैं। बिल्कुल तो सर पहले हमको सिंपल चीजों को आपको होना चाहिए कि जैसे कि आई यूज टू मार्क इफ देर इज अ मेल, आई यूज टू मार्क विद स्क्वायर, इफ देर इज अ फीमेल आई यूज टू मार्क विद सर्कल। एंड अगर सर्कुलर बेसिस में बोला है कि आउटसाइड सीटिंग है, तो मैं सबसे पहले जो पहला इंसान था उसको मैं टॉप पे प्लेस करता था ताकि मुझे डायरेक्शन में इशू ना आए। अगर इनसाइड प्लेसिंग है तो मैं उसको नीचे प्लेस करता था ताकि मुझे वापस डायरेक्शन का इशू ना आए लेफ्ट राइट में। तो सर ये बेसिक कंसेप्ट है रीजनिंग के, पजल्स के। तो अगर आपको पहले इन सब चीजों को क्लियर करना है कि अगर बोला है कि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द राइट, तो कितने लोग बीच में बैठेंगे, तो ये सब चीजों को बेसिक कंसेप्ट को आपको रीजनिंग में एक बार क्लियर हो जाओ, इट वुड हार्डली टेक लाइक 15-20 डेज। अगर आप अच्छे से अपना टाइम डिवोट करोगे तो आप 15-20 दिन में इन सब चीजों से यूज्ड हो जाओगे। ठीक है, एंड देन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा पजल सॉल्व करो, जितनी वेराइटी सॉल्व करो उतना अच्छा। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने भी एक आध अपने मेन्स पेपर में कहीं ना कहीं पजल में मेसअप किया है, लेकिन मेन्स इज अ डिफरेंट थिंग। प्रीलिम्स में आप अगर आप प्रीलिम्स में मेसअप करोगे यू आर गॉन, आप प्रीलिम्स में कम बैक नहीं कर सकते अगर आप कहीं अटके हो, इफ यू आर स्टक अप समवेयर। तो और मॉक्स देने का सर फायदा ये होता है कि आप यूज्ड हो जाते हो। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी कोई ऐसा मॉक दिया कि मैंने पॉज किया हो। आई यूज टू सिट फॉर 3.5 आवर्स इफ आई एम गिविंग अ मेंस मॉक, वंडरफुल, लगातार बैठता था। तो उससे मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को उस चीज की आदत हो गई कि आई हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड आई हैव टू फोकस ऑन द पेपर। तो विद टाइम जब मैंने 10-15-20 मॉक दे दिए, तो जब मैं मेन एग्जाम में देने गया, इट्स लाइक जस्ट अ क्रिकेट मैच, लोग प्रैक्टिस करते हैं, नेट्स करते हैं, वैसे हम इधर मेंस के मॉक्स देने हैं, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग सर। कितने मॉक्स दिए होंगे रविश? मेंस के, प्रीलिम्स के भी बताओ, मेंस के भी बताओ, कितने कितने मॉक्स आपने दिए होंगे? सर मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद तो हर मंथ एग्जाम हो ही रहते, कभी आरआरबी आ रहे हैं, फिर आईबीपीएस आ रहे हैं। तो मेरा टारगेट ये था कि जैसे नोटिफिकेशन आया, आई यूज टू गिव 2 मॉक्स डेली ऑफ प्रीलिम्स। 2 घंटे यहाँ लग गए एंड 2 घंटे आप उनको एनालाइज करने में, मान लो 4 घंटे यहाँ हो गए। बाकी फिर आई यूज टू गिव लाइक क्विज, आपको इतने सारे फ्री में ऑनलाइन क्विजेस मिल जाएंगे, रीजनिंग क्विज मिल जाएगा, मैथ्स के क्विज मिल जाएंगे। तो आई यूज टू सॉल्व 15-15-20 मिनट्स क्विज, फिर उनको एनालाइज किया करता था कहाँ गलत हो रहा हूँ। तो प्रीलिम्स जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है मेरा, यूज टू ये जो मैंने तब चालू किया जब मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। ऐसा नहीं है कि बिकॉज कोर्स कंप्लीट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं यस, है दिस आप इज व्हाट आई वाज मॉक्स आस्किंग, दे। दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग। यू वेंट टू मॉक्स ओनली व्हेन यू हैड कंप्लीटेड द सिलेबस, और व्हेन यू एग्जैक्टली नो सर, दैट यू नो द कॉन्सेप्ट्स, राइट? यस सर। बिना कॉन्सेप्ट के आप मॉक्स दोगे लाइक यू वोंट परफॉर्म एंड यू विल डिमोटिवेट योरसेल्फ ओनली। तो आपको सबसे पहले अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट करना है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर टाइप के क्वेश्चन का होल्ड होना चाहिए कि अच्छा इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है। एंड देर आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अरिथमेटिक जो हमें ट्रैप्स होते हैं, लाइक वॉट आई फील इज कि इस क्वेश्चन को हमें थैंक यू बोलना है, इसको करना ही नहीं है मेंस के पेपर में, क्योंकि ये आपको अटकाने के लिए दिए गए हुए हैं। देर आर सम ट्रैप्स, तो इन ट्रैप्स को इवन इन आइडेंटिफाई पजल्स यू फाइंड क्वेश्चंस लाइक दैट। एग्जैक्टली सर, इवन इन पजल्स सर, लाइक स्क्वायर पजल्स विद ब्लड रिलेशन और सर्कुलर पजल्स विद ब्लड रिलेशन, तो आप ये ट्रैप्स होते हैं सर, इनको अपन जितना दूरी बनाए रखें उतना अच्छा रहता है। एंड कितना भी टफ पेपर हो, कितना भी इजी पेपर हो, डजेंट मैटर, टफ सबके लिए टफ है, इजी सबके लिए इजी है। तो हमें सिर्फ ये करना है कि हमें दूसरों से बेटर करना है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर ऑल। सो क्योंकि आपने मेरा इसकी बात करी टफ और इजी की, इसमें एक चीज बताओ, बिकॉज स्टूडेंट्स आस्क दिस क्वेश्चन, जब आप मॉक देते थे तो उसके बाद में लेट्स से मेंस का मॉक आपने दिया, सो मेंस का मॉक इज लाइक 3.5 आवर्स, थ्री थ्री एंड हाफ आवर्स, यस सर
यू विल टेक दैट टेस्ट फर्स्ट इन वन सिटिंग, यू सेड कि आप एक बार में दे देते हैं, उसके बाद में एग्जैक्टली सर. दैट मॉक. हाउ मच टाइम वुड यू जनरली गिव टू द एनालिसिस, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. एंड टू इज इन एनालिसिस डिड यू यूज टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, कि आप उन सवालों को भी हल करते थे जो मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल हैं. मॉक में हम देखते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दैट विल टेक प्रोबेबली आधा घंटा लग जाएगा, yes, एक घंटा लग sir. जाएगा. आप उन क्वेश्चंस को करते थे कि नहीं करते थे, मतलब एनालिसिस कैसे करते थे और कितनी देर में करते थे, पूरा बताइए हमें. सर माय शेड्यूल वाज कि जब मैंने मेंस मॉक चालू किया आफ्टर प्रीलिम्स आई यूज्ड टू गिव मेंस मॉक, तो किसी भी एग्जाम में एसवीए क्लर्क इस बार स्पेशल केस था उसको हटा दें, तो किसी भी प्रीलिम्स के आपने प्रीलिम्स दिया उसके बाद आपको एटलीस्ट 24 डेज का बफर मिलेगा मेंस एग्जाम के लिए मिनिमम, तो आप कम से कम 12 मॉक्स लगा सकते हो कम से कम मिनिमम अगर आप 2 दिन में एक बार लगाते. तो मैंने भी प्रीलिम्स मेरा 4 जनवरी को हुआ था एसबीआई का और 29th ऑलरेडी डेट आउट थी, तो आई हैड 24-25 डेज. तो हर 2 दिन में लाइक आई एम गिविंग अ मॉक टुडे, आई विल बी एनालाइजिंग इट टुमारो एंड फिर आई विल बी गिविंग अनदर मॉक द नेक्स्ट डे. तो क्योंकि सर जीए भी पढ़ना रहता था आपको, जीए ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपको फिर बाकी प्रैक्टिस भी करनी है, आपको इंग्लिश को भी रिवाइज करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी करनी है. तो बस एक दिन मैंने मॉक दिया, नेक्स्ट डे मैं उसको एनालाइज करता था. आई यूज टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस जो मेरे पहले गलत हुए क्योंकि मैंने उनको अटेम्प्ट किया है, तो मेरे को लगा था कि आई विल सॉल्व दिस, वो मैंने उसको गलत किया है, तो आई यूज टू सॉल्व देम. उसके बाद जो मैंने छोड़े हैं आई यूज टू सी कि इनको बाकी कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, बिकॉज देयर इज अ मीटर कि 100% लोगों ने छोड़ दिया या 95% लोगों ने छोड़ा है, 5% लोगों ने किया है, 90% लोगों ने छोड़ा है. तो जिस क्वेश्चन को सब लोग छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन में वो कोई इतना कुछ तो होगा, तो उसको करने का मतलब ही नहीं है सर. एंड आपको देख के समझ आ जाएगा लाइक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन, जैसे आपको कोई केस लीड या डीआई मिल जाए तो वो तो एक ट्रैप है, अंडरस्टूड है. तो ऐसे ट्रैप्स को अवॉइड करता था मैं, बिकॉज आई नो कि हमें सिर्फ एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है कि इतने क्वेश्चन अगर आपने मैथ्स या जीए में और रीजनिंग में कर लिए तो आप यू आर डूइंग गुड, आपका पेपर अच्छा जा रहा है. तो और इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी, यूजुअली मेंस पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी आते हैं और आई गेस जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं पेपर्स डिफिकल्टी होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों का आईक्यू बढ़ रहा है सर. जब से लाइक इतना अपना डिजिटल हो गया है, पूरी कंट्री डिजिटल हो गई, ये सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं स्टडीज में, तो लोगों का आईक्यू बढ़ रहा है, लोग और अच्छे प्रिपेयर करके आ रहे हैं आजकल. कैट के जो कैट यस इवन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट दे आल्सो सेट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, तो उनका ऑलरेडी आईक्यू हाई रहता है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं. तो उस चीज को लेते हुए बैंकिंग जो एग्जाम सेटअप है वो भी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं. सो उस हिसाब से हमें ट्रैप्स को अवॉइड करना है, हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो सब करने वाले हैं बट विद एक्यूरेसी, हमें तुक्के नहीं मारने उधर, हमें इट्स लाइक पूरा सॉल्व करना है पेपर को और ट्राई टू स्कोर एज मच एज वी कैन इन दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस. सो इन अ नटशेल वी कैन से कि आप मॉक्स को एनालाइज करने के टाइम पे भी उन क्वेश्चंस को छोड़ देते थे जिसमें आपको लगता था इनको तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, और उसमें क्योंकि टाइम खराब होता, मतलब इनको हाँ मतलब इनको करेंगे तो हम बाकी पेपर छूट जाएगा पूरा, दैट्स इट. मतलब इनको कभी yes, करना ही नहीं है तो इनको अभी भी क्यों करना है उस तरीके से. इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बताइए रविश, वी कैन सी दैट यू कैन स्पीक वेल, सो व्हाट इज इट लाइक, कॉलेज से अच्छे थे या बाद में कुछ किया, एग्जैक्टली कैसे इंग्लिश की तैयारी की आपने? सर माय स्कूलिंग वाज डन फ्रॉम मिशनरी स्कूल बट आई लेटर रियलाइज्ड कि क्योंकि वहां तो सब हम बराबर थे तो हम सबकी इंग्लिश हमें सेम ही लगती थी, बट जब हम रियल वर्ल्ड में एंटर हुए, रियल मार्केट में एंटर हुए, तो हमें समझ आया कि हमारी इंग्लिश थोड़ी बेटर है, ज्यादा बेटर भी नहीं बोलेंगे, देयर आर वे मोर एक्सपर्ट सिटिंग हियर. तो रत्नावर सर का जो पहला लेक्चर था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, दैट लेक्चर लाइक लिटरली चेंज्ड माय परसेप्शन टुवर्ड्स हाउ टू अटेम्प्ट द इंग्लिश सेक्शन. दैट लेक्चर इज वेरी स्केरी, मेनी पीपल फाइंड इट वेरी स्केरी बिकॉज़ दैट्स लाइक अ पैराडाइम शिफ्ट फॉर देम, इट्स लाइक कि हम कुछ कर रहे हैं और ये कुछ और करने के लिए बोल रहे हैं, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. हाउ डिड यू टेक इट सर? बट लाइक इट वाज अ रियली अ ब्लेसिंग सर, मतलब जैसे उन्होंने बताया कि आप अपनी रीडिंग्स, आपकी जो रीडिंग स्पीड है, यू हैव टू वर्क ओवर योर रीडिंग स्पीड एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप 4 से 5 अक्षरों को, यू हैव टू रीड 4 to 5 वर्ड्स टुगेदर एंड एनालाइज देम इन योर माइंड. So, this thing takes time. तो आप ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा और कल आप लाइक यू आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन विद टाइम आप विद प्रैक्टिस ये आपको बहुत हेल्प करने लगेगा. लाइक आई रिमेम्बर माई रीडिंग स्पीड वॉज लाइक आई गेस 250 वर्ड्स, बट विद टाइम इट शिफ्टेड टू 400-500. तो विद टाइम आप शिफ्ट कर सकते हो विदाउट टाइम के साथ कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, आप समझ पा रहे हैं. एक मेजर प्रॉब्लम है कि बोलते हैं स्टूडेंट्स की रीडिंग स्पीड तो चेंज हो गई सर, बट जो समझने की एबिलिटी है, माय एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड दैट पैसेज और स्टफ गोज डाउन,
होता है मतलब व्हेन यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स बाउंड टू हैपन. आपने भी एक्सपीरियंस किया था? फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में होगा इनिशियली, लेकिन आप इस चीज को प्रैक्टिस को छोड़ो मत. आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ देम कि आप इस चीज को छोड़े नहीं, आप इस चीज को प्रैक्टिस करते रहे. बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाता था पूरा इंग्लिश का सेक्शन. एंड आफ्टर दैट लेक्चर लाइक इवन इन मेंस आई हैव डन 35 on 35 35 on 35 मैं करके आया हूँ. एक आध में तब छोड़ता था जब मेरे को पता था कि ये गलत हो जाएगा, कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में. एंड कॉम्प्रिहेंशन तो आई हैव हार्डली मिस, मैं कॉम्प्रिहेंशन तो हमेशा पूरा करके आता था. एंड आई यूज टू डू इट इन द लास्ट मोमेंट. सबसे पहले मैं जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते थे उनको करता था, फिर कॉम्प्रिहेंशन को सबसे आखिरी में किया करता था मैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने रीडिंग स्पीड पे काम किया, इंप्रूव हुई, आरसी आपने पूरा अटेम्प्ट किया. ग्रामर के लिए क्या किया था? ग्रामर पहले से अच्छी थी, इंस्टिंक्ट से करते थे, रूल्स फॉलो करते थे, एग्जैक्टली क्या किया इंग्लिश ग्रामर के लिए? कभी रूल्स तो सर कभी नहीं पढ़े एज सच, लेकिन हाँ रीडिंग करते करते आइडिया हो जाता था कि ये शब्द इधर फिट हो ही नहीं सकता. क्योंकि तो और जितनी स्कूल में आपने इंग्लिश पढ़ी, कॉलेज में पढ़ी, दैट्स इट. बाकी कभी रूल्स ऐसे पे फोकस नहीं किया, लेकिन हाँ रीडिंग ज्यादा करते थे. कॉम्प्रिहेंशन डेली सॉल्व करने हैं, आपको डेली ग्रामर सॉल्व करनी है. मॉक्स का एनालिसिस अगेन, कि जितने ज्यादा मॉक्स आप एनालाइज करोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ मेरी गलती हो रही है. क्योंकि एट नाउ डेज मॉक्स बहुत अच्छे हो गए सर, वो आपको अच्छे सोल्यूशन बताते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ क्या होना चाहिए, वाई आर वी डूइंग रॉन्ग. तो अगर आप अच्छे से एनालिस करोगे तो आप विद टाइम यू विल इम्प्रूव. ये मतलब मैंने अपने अंदर देखा था कि अच्छे से एनालिस कर करके मैंने इस चीज को इम्प्रूव किया था. चलिए मैं रत्नाभा सर को बता दूंगा कि आपने उनके ग्रामर की प्लेलिस्ट ठीक से नहीं करी थी और आप इंस्टेंट पे यस कर रहे थे. सर इवन वन मोर थिंग सर, आई रिमेम्बर आपका जो पहला इंटरेक्शन वीडियो था हमारा एमएस का, जो मेरिट शेन का जो कोर्स था हमारा, आपने कहा था इफ यू विल फॉलो आवर कोर्स वेरी वेल यू विल प्रोबेबली एंड अप एज द टॉपर ऑफ द एग्जाम. एंड सर जैसे मैं टॉपर नहीं हूँ एग्जाम को, मुझे पता है यार, और लोग जो 60 भी क्रॉस करें, तो बिकॉज ये मेरा फैक्ट है कि मैं भी आपका कोर्स अच्छे से नहीं कर पाया था. लेकिन सर बिकॉज यू प्रोवाइड आपका मतलब इतना अच्छे से यू प्रिपेयर अस फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर बहुत ज्यादा ही टफ आ जाएगा नेक्स्ट लेवल का तो मेरे बच्चों की नैया पार हो जाएगी, बाकी सब भली डूब जाए. और अच्छा करना चाहता था. Yes, मतलब even with my mains marks, I wasn't satisfied. So I was expecting 120, but I landed up at 108. So मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मैं had a bad GK. That SBI PO mains had a bad GK. So everybody very very bad. Yes. When I like my reasoning section and quant section went well, I was confident कि मैंने अच्छा किया. फिर GA section आया. And it was like it totally ambushed me. क्या आ गया भाई? उसके बाद बिकॉज सॉल्व तो कर ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने आई एम अ बिट टॉल, तो मेरे को दूसरी स्क्रीन दिख रही थी सामने. तो मैंने देखा कि सबने ग्रीन 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 मार करके रखा है. तो इधर या तो मुझे नहीं बन रहा या तो इन लोगों ने तुक्के मारे हैं. तो दो ही सिनेरियो हो सकते थे सर. जब मैं बाहर आया सेंटर से तो मैंने रिव्यू लिया. सो जीए वॉज वेरी टफ, लिटरली वेरी टफ. सभी के लिए मुश्किल था एंड कोई भी प्रिपेयर नहीं कर सकता था उस टाइप के जीए के लिए. वैसे जीए के लिए आपने क्या किया था एक बार बताइए, तो फिर आईबीपीएस के भी डिस्कस कर लेंगे. जीए के लिए सब सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है. मैं डेली जीए नहीं पढ़ पाता था, मेरा जो एक फैक्ट है. मैं क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करता था, और जब मेरा प्रीलिम्स हो जाता था उसके बाद मुझे पता है कि मेरा पेपर अगर अच्छा गया है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी गोइंग टू अपीयर फॉर द मेंस. मेरे पास जो 24-25 दिन का बफर रहता था, आई यूज्ड टू डू वन थिंग कि मैं आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग. ऑल्दो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता था, आप कभी कभी मिस कर जाते हो गए. हाँ सर. तो हाँ सर मतलब लाइक सर मींस का पेपर है, 20-25 दिन की बात है, थोड़ी नींद सैक्रिफाइस कर लो. लेकिन सर उसका फायदा बहुत होता था. द थिंग इज, मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि आप सुबह 4 बजे उठो, आपका माइंड फ्रेश है, आपकी नींद हो चुकी है 6 घंटे की, एंड सबसे ज्यादा ग्रैस्पिंग पावर आपके माइंड की अब है. तो सबसे पहले मैं उठ के जीए पढ़ता था. आई यूज्ड टू टेक अ क्विक 5 मिनट्स शावर टू एक्टिवेट माय बॉडी एंड माइंड. उसके बाद थोड़ा मेडिटेट किया 5-10 मिनट. आप भली भगवान से प्रार्थना कर लो, जैसा भी आपको करना है. आई यूज्ड टू प्रे फॉर 5-10 मिनट्स. बाय 4:30 AM आई यूज्ड टू स्टार्ट विथ माई जीए सेक्शन. मेरा टारगेट रहता था कि 8:30 तक मुझे 1 महीने का जीए पूरा कंप्लीट करना है. आई यूज्ड टू रीड वीकली PDF. 4 PDF होती थी 4 हफ्ते की. 4 PDF आपने 4 घंटे में निपटा ली, आपका 1 महीना कंप्लीट हो गया. और 8:30 जहां लोग 1 घंटे में कर लेते थे 1 हफ्ते की. हाँ सर 20-25 pages होती थी, 1 घंटे में आप पढ़ सकते. रविश वो एक बार में तो कोई रिटेन कर नहीं पाता है, कितनी कितनी बार की होंगी वो PDF.
सर जैसे कि आई यूज टू डू 6 months जीए, और मेरे पास अगर 24 दिन का बफर है तो मैं 6 महीने का जीए चार चार बार कर देता था। अच्छा एंड ये सिर्फ पीडीएफ नहीं पढ़ना सर, जैसे मैंने पीडीएफ पढ़ी 8:30 हो गया, देन आई गो फॉर ब्रेकफास्ट, आई टू टेक आई वाज टू गो फॉर अ बाथ, अच्छे से नहाया करा, उसके बाद फिर मॉक लगाया एनालाइज किया 3 घंटे का, फिर लंच टाइम होता था, यूज टू हैव अ लंच, लंच किया, थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर्स देखना, जो पीडीएफ पढ़ी है उन्हीं की वीडियो लेक्चर्स देखना। समीर सर वीडियो लेक्चर्स डालते थे, यूट्यूब पे भी डालते थे, स्टडी आई क्यू पे भी एक ऐप था मेरे पास, तो इन मैं मल्टीपल रीडिंग मल्टीपल सोर्सेस से मल्टीपल जीए कवर करता था, और ऐसा 3 4 बार अगर आप कर लो तो फिर आपको फिर क्वेश्चंस याद हो जाते थे कि अच्छा ये एमसीक्यू ये पूछना है कई बार वन निकाल और। पाते थे आपने, हम लोग का भी किया आपने, और क्या बताया, स्टडी आईक्यू का किया, मतलब क्योंकि आप बोल रहे यस हो कि सर आपने प्रीलिम्स के बाद में जीए स्टार्ट करी, विच इज नॉट द बेस्ट सर आई स्ट्रैटेजी। यूज आई एम श्योर कि समीर खुश नहीं होंगे ये बात जान के कि आपने प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी यस समहाउ मैनेज कर बट लिया, मतलब 25 दिन के अंदर। द थिंग वाज आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस ऑन 2x स्पीड सर, मेरे को आदत हो गई कि मैं 2x पे वॉच कर लेता हूँ, तो मेरा आधा टाइम बच जाता था वहाँ। ओके इवन योर लेक्चर मैं सारे लेक्चर इवन यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा तो 1.5 1.75 2x पे देख लो आप लोग। आई नो आप जान पूछ के थोड़ा स्लो बोलते हैं ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए, इसलिए सबकी मैं 2x ग्रास्प पे करने की देख लिया। एबिलिटी अलग अलग होती है, सब अलग अलग स्पीड पे एग्जैक्टली सीखते हैं, तो वॉट एवर सूट्स यू। एग्जैक्टली यस सर, तो इसलिए मैं 2x पे देख लेता था और मैं पूरा कवर कर लेता था। एंड क्योंकि मेंस जब आप मेंस का प्रिपेयर कर रहे हो तो मॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज अ वेबसाइट, आई डोंट नो इंडिया में इतने लोगों को पता है कि नहीं है, बट एक कैम्ब्रिज बोर्ड की वेबसाइट है राइट एंड इम्प्रूव, सो आई यूज टू यूज दैट वेबसाइट, इट्स अ फ्री वेबसाइट, आप उसको यूज कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। उसमें आपको वेरियस टाइप के लेटर्स मिलेंगे, एसेज मिलेंगे, आप उसको टाइप करो और उनका जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपको एनालाइज करके बताएगा कि आप किस लेवल पे हो, क्योंकि कैम्ब्रिज बोर्ड वो इंग्लिश सर्टिफिकेट देता है A1 A2 B1 B2 आपने सुना होगा, तो वो आपको बताता है कि आप किस लेवल पे अभी खड़े हो, आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। तो आई यूज टू यूज दैट वेबसाइट और उससे बहुत हेल्प मिली सर डिस्क्रिप्टिव में, कितने वो दिन तक आपकी स्पेलिंग डिस्क्रिप्टिव पे काम मिस्टेक। किया होगा? आई एम श्योर आपने रत्ना बसर ने जो बोला वो तो फॉलो किया, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप बोल रहे हो आपने वो वेबसाइट यूज करी। कितने दिन तक लगातार काम किया होगा? डिस्क्रिप्टिव बहुत लोग के लिए आफ्टर पेन पॉइंट प्रीलिम्स होता है। सर, सर आई गेस अगर आप 20 दिन भी अच्छे से काम कर लो डिस्क्रिप्टिव से, इट्स मोर देन सफिशियंट सर, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपका चेक कर रहे हैं कि आप कैसा टाइप कर रहे हो, आप जो गिवन टाइम है उसमें आप अपना पेपर कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सेकेंडली दे आर चेकिंग कि आप कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो एंड कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक कि कोई सॉफ्टवेयर ही चेक करता होगा, क्योंकि कोई इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन पर्सन कि आप 20,000 पेपर एक्सैक्ट चेक करो। तो एक सॉफ्टवेयर अगर चेक करें तो हमें प्रिपेयर भी वैसे ही करना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सो राइट एंड इम्प्रूव इज अ वेरी गुड थिंग, आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू अदर एस्पिरेंट्स एज वेल कि आप इसको जरूर यूज करें और बहुत अच्छी चीज है ये सर। रवीश, हमने देखा कि आपने हमें ठीक से फॉलो नहीं किया व्हेन इट कम्स टू जीके एंड डिस्क्रिप्टिव। हम बोलते हैं जल्दी जल्दी करो, हमेशा से करो, शुरू से करो, आपने बाद के लिए छोड़ दिया जीके और डिस्क्रिप्टिव 25 दिन के लिए। तो अपने स्कोर्स बताइए, एसबीआई पीओके तो पता नहीं चलता, आईबीपीएस पीओके पता चल जाते हैं कितना स्कोर था, हमें पता चले कम से कम आपकी स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव थी, जो आपने चीजें नहीं फॉलो करी उनका कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ। स्कोर तो आपका अच्छा ही है, थोड़ा सा बताइए सबके बारे में। फॉलो तो हमने किया था, ये कि अच्छे से नहीं कर पाया था, एंड इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, मेरे लिए काम कर गई बट इट्स इट्स रियली डेंजरस, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, आई वॉज लाइक शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जैसे जैसे करना था। आई स्कोर्ड 19 इन डिस्क्रिप्टिव पेपर आउट ऑफ 25, एंड इन इंग्लिश आई स्कोर्ड 30 आउट ऑफ 40, एंड इन जी आई स्कोर्ड 27 आउट ऑफ 40 इन आईबीपीएस। आईबीपीएस, यस सर आईबीपीएस सो आईबीपीएस ऑन ट्वेंटी सेवन आउट क्लियरेंस। ऑफ 40, इट वॉज एन इजियर जीए एज आई अंडरस्टैंड, सो इट्स नॉट अ ग्रेट स्कोर बट इट्स डेफिनेटली यस एन सर एक्सेप्टेबल स्कोर कंसिडरिंग दैट यू यस डिड जीए जस्ट फॉर 25 डेज। सो 27 आउट ऑफ यस सर 40 इन 25 डेज ऑफ वर्क अलॉन्ग विद डूइंग अदर सब्जेक्ट्स, मॉक्स एंड ऑल, दैट्स हाउ यू पुट इट। नो, यस यू वर्कड ऑन जीए फॉर 25 सर डेज एंड दैट टू अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स, यू आर टेकिंग अ मॉक एवरी यस सर ऑल्टरनेट डे एंड ऑल, लुकिंग एट ऑल दैट 27 आउट ऑफ 40 इट्स मोर देन एक्सेप्टेबल स्कोर। यस यस सर बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल दी अदर एस्पिरेंट्स की ऐसा बिल्कुल नहीं करें, दिस इज नॉट वेरी गुड एट आप ऑल। ज्ञान देना स्टार्ट कर दो, मैंने तो ऐसा किया बट तुम मत नो करो ऐसा। हाँ बट दिस इज लाइक ट्रू सिनेरियो, कि हो सकता था कि आईपीएस का भी बहुत डिफिकल्ट पेपर बन जाता एंड मैं वहां भी स्कोर नहीं कर पाता, लेकिन जिन्होंने पहले अच्छे से पढ़ा है वो स्कोर करते हैं, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको दूसरों से अच्छा करना है एंड ऑफ द डे। अगर दूसरे 20 पे लैंड कर रहे हैं तो अपने को 25 स्कोर करना है बाय हुक और क्रुक, तो आप आखिरी 25 दिन में करो, बट इट्स नॉट इजी टू डू। आई यूज टू वेक अप एट 4 एंड डिड दिस, लेकिन
आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, इट्स नॉट ईजी। स्पेशली कई लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में है तो उनके लिए तो और डिफिकल्ट रहता है। आई वॉज अनएम्प्लॉयड, आई वॉज स्टडिंग ईटिंग, यही काम चल रहा था, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो तीन काम थे क्योंकि एग्जाम सर पे था, और तीन तीन एग्जाम सर पे थे, SBI PO, then IUPS PO, तो एग्जाम सर पे थे तो पढ़ना तो था ही ना सर। लेकिन कितने घंटे पढ़ते थे रवि? वैसे जनरली आपने बोला खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ते होंगे इस समय एग्जाम्स के टाइम पे? अगर कभी ऐसे लिखा नोट तो नहीं किया कितने घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन अगर पूरा टोटल लगाएं तो 8 से 10 घंटे निकल जाते थे पढ़ते पढ़ते। रेगुलरली करते होंगे, और इस पूरे फेज में आपने करीब एक सवा साल हमारे साथ प्रिपेयर किया, लाइक देयर विद अस फॉर एटलीस्ट वन ईयर बिकॉज ऑफ कोविड, बैच एक्सटेंड हो गया था लगभग रेगुलरली। अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स डू आस्क द सक्सेसफुल वंस, कि कितने घंटे पढ़ा होगा ऑन एन एवरेज, यू कैन ऑन एन एवरेज इट वुड बी लाइक 5 to 6 hours डेली, इतने घंटे तो निकाल लेता था मैं पढ़ने के, इंक्लूडिंग ऑल दी स्टफ। लेकिन जब मींस पास आता था तो आई यूज टू पुश माई लिमिट्स, आई यूज टू लाइक डू 8 hours 10 hours। अगर देर वर सम डेज कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, कोई रीजन होगा, मैं रात को भी किसी चीज का कारण लेट सोया हूँ तो सुबह नहीं उठ पाता था, तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता था, क्योंकि मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम मेरा निकलता था पढ़ने का वो सुबह से ही निकल पाता था। क्योंकि रात, एक बार रात हो जाती है तो मेरी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ ज्यादा। तो मैं जब सुबह उठा हूँ, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, पूरी शांति है, तो और माइंड फ्रेश है पूरा, तो मैं अच्छे से पढ़ लिया करता था। लेकिन रात जैसे जैसे शाम होती है वैसे मेरी एफिशिएंसी कम होती जाती थी। बहुत सारे लोग टारगेट पूछ रहे होते हैं कि मतलब क्या फॉलो करना चाहिए, आइडियल क्या है, तो आपके लिए ऐसे आपने बोला कि मॉर्निंग्स वर्क बेटर फॉर यू, यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इवनिंग्स में आप डल हो जाते हो, तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल जैसा है क्या, या आपको लगता है क्या कि नो नो सर, नो सर, सर कई लोग होते हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो मेरा, इवन माय यंगर ब्रदर, वो रात को पढ़ाई करता है, वो रात को पूरे रात पढ़ाई करेगा, फिर वो सुबह लेट इवनिंग लेट मॉर्निंग में उठेगा। तो सबका अलग अलग रहता है, जिसको जो सूट करे। एंड ऑफ द डे आपको अपने एफिशिएंसी के साथ उतने आवर्स देने पढ़ाई में, आप भले सुबह दो चाहे रात को दो शाम को दो, डजंट मैटर, आप अपने डेली टारगेट्स फुलफिल करो। आई यूज्ड टू राइट अ डायरी, मैं जैसे नेक्स्ट डे है तो मैं अपने टारगेट्स फिक्स कर देता था कि मुझे ये मॉक लगाना है, इतने पजल्स, इतने DI सेट्स, इतना GA कवर करना है, एंड जब वो नेक्स्ट डे कम्प्लीट होता तो आई यूज टू टिक मार्क इट कि ये चीज अपन ने कम्प्लीट कर ली। और जैसे जैसे मेरा फ्रीलांस होता था तो मैं 24 डेज का एग्जाम के पहले एक पूरा चार्ट बना लेता था कि मुझे इस मंथ का GA इस पर्टिकुलर डेट पे करना है। तो क्योंकि ये एक हैबिट, अच्छी हैबिट है, अगर आप चीजों को नोट कर लो तो आपके माइंड में रहती है कि अपने कोई टारगेट फुलफिल करना है। अगर आप सिर्फ ओरली सोच के रखो तो कभी कभी फुलफिल नहीं हो पाते, लेकिन अगर हमको लिख लो, कहीं चिपका लो, तो वो चीजें काम कर जाती हैं। अच्छा, आप जैसे जॉब नहीं कर रहे थे रवीश, तो जैसे आप जॉब नहीं कर रहे थे तो आपके पास पूरा ही दिन था, आपने बोला ऑन एन एवरेज 5-6 घंटे, तो कुछ और एंगेजमेंट था, अभी भी बास्केटबॉल चल रहा था, व्हाट वाज इट लाइक, व्हाट वाज इट डे सर? आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स सर, क्योंकि एक जब आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाए तो इफ यू आर नॉट अर्निंग, लाइक आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो अच्छा ही लगता ना कि आप इतने बड़े हो गए, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन आप फिर भी छोटे छोटे खर्चों के लिए आप पेरेंट्स से मांगो, तो एक वो अच्छा ही लगता था अंदर ही अंदर। तो मैंने होम ट्यूशंस देना चालू की बच्चों को, आई यूज़ टू टेक होम ट्यूशंस, उससे मुझे ये बेनिफिट मिला कि क्योंकि मेरा भी रिवीजन होता था बच्चों को मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते, तो इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते, तो इसलिए मेरा रिवीजन भी हो रहा था साइड बाय साइड में, थोड़ा एक पॉकेट मनी अर्न कर रहा था, तो मेरे खुद के खर्चे निकल जाते थे। और छोटे छोटे खर्चों के लिए कहां मम्मी पापा को फिर परेशान करे, वो उन्होंने आपको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, इट्स मोर देन सफिशिएंट आई गेस, आपको ग्रेजुएट बना दिया, इससे ज्यादा तो आप खुद कर सकते हैं हम मेहनत करके। सो आई यूज टू टेक होम ट्यूशन सर, और बाकी खुद की पढ़ाई करता था। इसलिए जब से मैंने तैयारी चालू की, मेरा खेलना थोड़ा बंद हो गया था, क्योंकि आपके पास अगर आप बड़े बड़े, आप इतना सारा कुछ साथ में नहीं कर पाते हो, यू हैव टू डू लाइक वन और टू थिंग्स एट अ पर्टिकुलर डे, आप ज्यादा चीजें नहीं कर पाते हो साथ में। सो आई यूज टू टेक होम ट्यूशन एंड आई यूज टू study, that's it. अब बास्केटबॉल बिल्कुल बंद है, खेलते हो नहीं खेलते हो सर? अभी चालू किया है, अब चालू किया है फिर से, और अब वापस चालू होगा सर। SBI में हूँ मैं, आई एम अ बिट लकी, SBI के ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स होते हैं बास्केटबॉल के, सो आई विल बी प्लेइंग फॉर माय सर्कल, जो भी मुझे सर्कल अलॉट हुआ है, तो दिस इज वन ऑफ दी लाइक ग्रेट थिंग कि मैं भाई अब मैंने जॉब करूंगा और साथ में अपना पैशन भी फॉलो करूंगा, खेलूंगा उनके लिए। लेकिन कभी बास्केटबॉल को सीरियसली परस्यू करा था? यू प्लेड एट अ गुड लेवल When आप नेशनल लेवल पे, अभी सीरियसली परसू करा था कि मेरे को तो बास्केटबॉल प्लेयर ही बनना है? सर कभी ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि इतना कंपटीशन है, और बिकॉज
एट दिस पर्टिकुलर प्लेस जहां मैं बिलोंग करता हूँ भोपाल मध्य प्रदेश, इधर इतनी कंपेरेटिवली उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है जहाँ दिल्ली के या चंडीगढ़ के लोगों को मिलती है, पंजाब के लोगों को मिलती है। ऑल्सो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो पंजाब से निकलते हैं क्योंकि वो जेनेटिकली उससे रहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स बास्केटबॉल इज अ स्पोर्ट जिसमें आपको थोड़ा उस हिसाब से फिट होना चाहिए, लाइक यू शुड बी टॉल, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो पंजाब के जो लोग रहते हैं उनकी जेनेटिक्स में रहता है, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज है। लेकिन हम आई यूज टू टेक एट लाइक मेरा पैशन है, मेरे को अगर कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस फ्री होना है, पढ़ाई से कोई टेंशन है, कुछ टेंशन है, हम खेल लो, माइंड फ्री हो जाओ, दैट्स इट। और बाकी आई यूज टू एंजॉय माई गेम, अगर मैं अभी भी खेलूंगा तो उसे एज ए एंजॉयमेंट लूंगा, नॉट एज अ करियर, नहीं, बट फिर भी आपने दैट्स जिस ऑल्सो लेवल पे इम्पोर्टेंट। खेला हुआ है, इट वाज मोर देन अ हॉबी फॉर यू। मतलब यार ठीक है, यस कितने लोग नेशनल लेवल पे खेल पाते हैं उस तरीके से? सो आई यूज टू उस टाइम पे, क्योंकि हम कॉलेज में, हम कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते थे, लाइक आई हार्डली अटेंड एनी कॉलेज, आई टोल्ड यू, तो मैं खेलता था। तो जब आप कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप खेल रहे हो, तो आप खेल लोगे अच्छे ऊपर जाके, तो इसका कभी कभी बैकफायर भी हुआ है क्योंकि कॉलेज में अच्छे मार्क्स नहीं है, तो एवरीथिंग एंड्स लाइक दिस ओनली, या तो आप ये कर लो अच्छा है तो वो कर लो अच्छा। बट इसलिए ऐसे मैंने जब से बास्केटबॉल छोड़ने का कुछ आपको मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं ना कि मैं इस हॉबी को परस्यू करा, कुछ भी हो सकती है, वो गिटार बजाना हो सकता है, क्रिकेट खेलना हो सकता है, एंड आई कुड नॉट डू इट बिकॉज मेरे पास ये प्रेशर था कि लाइवलीहुड अर्न करनी है। इंडिया में ये भी इशू है ना कि स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है, इन जनरल नहीं है, अब तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो एक प्रेशर सा रहता है कि यस मैं अपनी हॉबी को कैसे परस्यू करूं, मेरे पास एक नौकरी लेने का इतना बड़ा प्रेशर है कि सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। तो आई वाज जस्ट आस्किंग अबाउट दैट, पीपल गेट वेरी इमोशनल टॉकिंग अबाउट इट, किसी को वैल्यू ही नहीं है, मैंने इस लेवल पे खेला, बट हर कोई मेरे से बोलता है कि इंग्लिश और मैथ्स बनाओ और उसी से तुम्हारा लाइफ में कुछ होगा। सो या दैट इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर सो मेनी पीपल। सो आई जस्ट वॉन्टेड योर टेक ऑन इट कि आपने एक पैशन को इतना अच्छे से परस्यू करा, उसको छोड़ना, छोड़ना ही बोलेंगे उसको, प्रोफेशनली तो आपने हाँ नहीं जी परस्यू, हाँ, तो वो कैसा था? मेरा जो गोल था, आई शिफ्टेड माई गोल। अब मेरा गोल था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, लाइक एस डी आई पी ओ इज अ रियली बिग थिंग। देयर माइट बी सम पीपल, लोग बोलेंगे कि एस डी आई पी ओ एक बैंक एग्जाम ही तो है, होंगे ऐसे लोग, आई हैव फेस सम पीपल, बट आप जैसे बोलते हैं लेट देम गो टू हेल, लोगों का काम है बोलना, कुछ तो लोग बोलेंगे तो हाँ ठीक है उनको बोलने दो, सर मैंने, मुझे पता है एंड अदर एक्सपीरियंस नो हाउ डिफिकल्ट दिस एग्जाम इज, कितना हाँ मुश्किल रहता है ऐसे एग्जाम क्रैक करना, दो स्लीपलेस नाइट्स, मतलब जितनी मेहनत की है हम सब ने, तो और इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कि एंड ऑफ द डे भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो तो रिजल्ट आने पे ही पता चलता है कि आपका कंप्लीटली क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो सर जब मेरा कोई बड़ा गोल मैंने सेट किया तो आई हैव टू लाइक सेक्रीफाइस समथिंग, मुझे कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए ठीक है थोड़ा बुरा लगता है कि हम खेल नहीं पाते थे, लेकिन ठीक है इसको सेक्रीफाइस किया, अब हम वापस खेलना चालू करेंगे, अब जॉब भी है हमारे हाथ में, गॉड्स ग्रेस। तो यही है सर, कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ता है, इट्स नहीं नहीं बस नहीं बिल्कुल, वो आई लाइक लक योर है। अप्रोच टू हाँ इट। अच्छा रविश, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई अपने प्रिपरेशन के बारे में, अब तीन चार अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे तीन चार चीज़ें बताइए जो एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्यूचर में एसबीआई में जाना चाहते हैं, आईबीपीएस क्लियर करना चाहते हैं, जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपका जो ये 1-1.5 साल का फेज था, और मैं बोलूंगा आपने रिलेटिवली बहुत जल्दी किया, लोग स्ट्रगल करते यस रहते हैं कई साल, आपने काफी अच्छा करा। तो बहुत सारी चीजें आपने, जैसे आप बोलते हो आपके अप्स एंड डाउन से, आप भी फेल हुए, ठीक है हुए, लेकिन आप उतना नहीं हुए, बहुत सारे बेचारे लोग कितने कितने दिन तक फेल होते रहते हैं, तो आपने काफी अच्छा किया रिलेटिवली, मैं बोलूंगा आपसे भी अच्छा लोग करते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। तो कुछ तीन चार चीजें बताइए जो आपको लगता है सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर उनको वो देख सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में, जिससे वो बेहतर कर पाए। प्रीलिम्स और मेंस, ऑल्दो दीज आर टू डिफरेंट एग्जाम्स, लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि इन दोनों को साथ में तैयारी करनी चाहिए, और साथ में ही तैयार होता है ये। अगर जो इतना जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर लोग पहले प्रीलिम्स को अच्छे से तैयार करेंगे, फिर उसके बाद मेंस को अच्छे से तैयार करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश, जो मेजर कंपोनेंट है दोनों पेपर के, अगर आप इन तीनों को अलग अलग तैयार करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा सक्सेस अचीव करने में, अगर आप इन दोनों को साथ में लेके चलोगे। क्योंकि ओके यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो अपना कोर्स कंप्लीट करना है, दिस इज सबसे पहली चीज, प्राइमरी थिंग है कि आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, लेकिन साइड बाय साइड आप मेंस पे भी फोकस करो, इन यू आर डूइंग डीआई, ट्राई टू डू डिफिकल्ट डीआई सेट्स, ट्राई टू सॉल्व पजल्स, 2 or 3 पजल्स अ डे, इट वुड टेक हार्डली 20-30 मिनट्स, अगर बहुत डिफिकल्टी पजल फंस जाएगा तो आधा घंटा लगता है, 10 I guess 10 मिनट्स आर मोर देन सफिशियंट फॉर अ पजल, 10 मिनट में अगर अपन सॉल्व नहीं करेंगे पजल तो फिर मेंस पे कैसे सॉल्व कर पाएंगे सर। तो हमें मेंस को प्रीलिम्स के साथ साथ लेके पुश करना चाहिए, सो दिस इज लाइक वन ऑफ द की टेक अवेज आई वुड लाइक टू सजेस्ट द अदर एस्पिरेंट्स कि आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलो।
सेकेंड थिंग इज सर कि जो मेंस का पेपर है उसको अटेम्प्ट करना है, इवन इन प्रीलिम्स, बट मेंस पे अगर फोकस करूं मैं तो, क्योंकि मेंस में लोग बोलते हैं मेरा प्रीलिम्स निकल जाता है, लेकिन मैं मेंस में स्टक हो जाता हूँ हमेशा, मेंस कैसे करूं मैं? तो मेंस इज अ लाइक डिफरेंट गेम. प्रीलिम्स इज T20. अगर मैं एग्जाम्पल दू तो, कि आप अगर आपने वहां कोई गलती की तो यू आर गॉन, आपका प्रीलिम्स गॉन. मेरे भी छूटे हैं कई प्रीलिम्स, मैंने भी कई प्रीलिम्स मार्जिनली मिस किए हैं, क्योंकि वो T20 आपने अगर कहीं गलती करती हो आप चले गए, लेकिन मेंस में कमबैक का टाइम रहता है, पूरा कमबैक का टाइम रहता है मेंस में. तो मेंस में अपने को देर आर वेरी वेरियस ट्रैप्स, आपको रीजनिंग में कई पजल्स ट्रैप्स के फॉर्मेट में मिलेंगे, आपको DI सेट्स में ट्रैप्स मिलेंगे, तो उन ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए यू हैव टू लाइक, और ये चीज आपकी मॉक्स देने से ही हैबिट डेवलप होगी कि आप ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर पाओ और इन क्वेश्चंस को आप स्किप करो और उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जहां से अपने को स्कोर उठाना है. तो जो लोग मेंस में फेल हो जाते हैं कई बार, उनके लिए ये है कि जस्ट ट्राई टू गिव मोर मॉक्स एंड एनालाइज देम वेल कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो उसी से परसेंटाइल आपका इम्प्रूव होगा. एंड कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा परसेंटाइल इम्प्रूव नहीं हो रहा, हमारे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो क्योंकि हम एक ही स्टाइल से मॉक्स देते रहते हैं, लाइक हम सेम तरीके से मॉक्स दे रहे हैं तो कैसे इम्प्रूव होगा हम सेम चीज कर रहे हैं, तो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. मैंने भी 2-3 बार अलग अलग तरीके से मॉक्स देके ट्राई किया, उसके बाद मेरा पेपर सॉर्ट हुआ. दो तीन बार अलग अलग अगर मैं तरीके से, मतलब अपनी क्या बताइए थोड़ा सा, कैसे क्या किया आपने, क्या एक्सपेरिमेंट किया? सर ओके सर तो पहले मैं क्या, जो मेरी फाइनल स्ट्रैटेजी मुझे सूट करती थी मेंस के मॉक्स देने में, जो मेरे लिए काम करी, जो मैंने SBI PO और IPS PO मेंस में भी किया था, जैसे मेरा पहले रीजनिंग का सेक्शन खुल रहा है, लाइक इट्स द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पेपर. आई यूज टू मार्क दी सेट्स ऑफ दी पजल्स, मैं उनको पहले मार्क फॉर रिव्यू कर दिया करता था पर्पज से. तो जैसे 1 से आपके 45 तक क्वेश्चन है रीजनिंग में, आई यूज टू मार्क दी सेट्स, और जो 1 मार्कर्स है साइड, जब मैं मार्क कर रहा हूँ साइड बाई साइड, तो उनको जो 1 मार्कर्स है उनको सॉल्व करते जाता था मैं. तो लाइक इन यू गेट 60 मिनट्स फॉर रीजनिंग एंड IPS एंड SBI PO. तो स्टार्टिंग 10-15 मिनट आपने मार्क कर दिए साइड बाई साइड, आपने 1 मार्कर सॉल्व कर दिए इंक्लूडिंग क्रिटिकल रीजनिंग. पीपल टेंड टू अवॉइड क्रिटिकल रीजनिंग, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि उसमें आपको पेन भी नहीं उठाना है और यू कैन स्कोर इन क्रिटिकल रीजनिंग. तो जैसे मेरे 10-15 मिनट खत्म होते थे रीजनिंग के, मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और मैंने पूरा पेपर एनालाइज कर लिया है. अब मुझे पता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है. आई यूज टू अवॉइड दी बिग पजल्स, जो मुझे पता था कि ये एक ट्रैप है, एंड आई यूज टू सॉल्व दोस पजल्स जो मुझे लगता था कि ओके ये अपन इजिली कर सकते हैं 5-6-7 मिनट में, अपन ने ये टाइप पहले प्रैक्टिस की है कई बार. सो दिस दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग सेक्शन. फॉर क्वांट आई वुड डू द सेम, कि मैं सबसे पहले सबको मार्क कर देता था. डाटा सफिशियंसी एक ऐसा टॉपिक है क्वांट का जो बहुत इजिली सॉल्व हो जाएगा अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की, बिकॉज आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, आपको बस देखना है कि इतने इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो डाटा सफिशिएंसी आई यूज्ड टू डू फर्स्ट इन क्वांट, एंड उसके बाद मैं DI सेट्स को थोड़ा एनालाइज करता था, और इवन इन केस लेट्स, पीपल हैव अ फियर ऑफ केस लेट्स, बोलते हैं यार केस लेट आता तो डर लगता है, केस लेट कैसे सॉल्व कर रहे हैं. मैं उनके लिए बोलता हूँ जस्ट इमेजिन कि अगले साल आप SBI PO या IPS PO मेंस दे रहे हो और कोई DI नहीं, सब केस लेट दे दिया, तो क्या करोगे आप? तो इट्स बेटर कि हम उसको एज अ पेपर लेके चले. केसलेट्स अरेंट डिफिकल्ट, वो बस ये कि एक पैराग्राफ फॉर्म में आपको एक डेटा इंटरप्रेट करना है, तो उनको आप सॉल्व करो. सेम थिंग आप ट्रैप्स को अवॉइड करो, एंड क्वांट सेक्शन आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो. ऑल्दो क्वांट सेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आप ढूंढ लेते हो कि आप एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लो. एंड इन इंग्लिश आई यूज टू डू द सेम, आई यूज टू मार्क द कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, लेकिन ग्रामेटिकल पार्ट मैं पहले सॉल्व करता था, और जो कॉम्प्रिहेंशन है उनको मैं लास्ट में करता था, बिकॉज क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी थी, तो अगर मेरे पास टाइम कम भी बचता है तो आई यूज टू कवर अप, मैं फास्ट रीडिंग करके कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कर दिया करता था. तो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर मेंस, टू अटेम्प्ट द मेंस पेपर. अच्छा, आपने क्या क्या एंड सोर्सेज यूज करे रविश, इन जनरल एक बार बताइए इकट्ठा करके, कि मतलब अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए क्या सोर्सेज आपने यूज सर करे? फॉर लाइक आई हैड योर मेरिट सैंक प्रेप कोर्स फॉर SBI 2020, दैट वॉज माई दी प्राइमरी सोर्सेस. फॉर GA आई टुक फ्रेश क्लाउड PDF, स्टडी IQ से GA किया, एंड समीर सर की मेरिट सैंक की यूट्यूब देखी थी मैंने GA के लिए. एंड मैंने मल्टीपल सोर्सेस से मॉक्स दिए थे, लाइक अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक्स दिए थे,
लोग ऐसा बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है ये प्लेटफॉर्म बेकार है, मेरी ये थिंकिंग नहीं है। इट्स लाइक कि हर प्लेटफॉर्म अच्छा है बट हमें हर प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहिए, एटलीस्ट फ्री वाले तो देने चाहिए सबके, क्योंकि हमें एक आइडिया होना चाहिए कि वेराइटी होगी, किस टाइप का पेपर बन सकता है। ऑल्दो मैं लाइक आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्लेटफॉर्म बट ऑलिव बोर्ड एंड प्रैक्टिस वर्क आई वुड सजेस्ट कि दीज आर वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इन ये जो लेवल बनाते हैं थोड़ा टफ लेवल बनाते हैं पेपर से, तो अगर हम ऑलरेडी टफ लेवल की तैयारी करेंगे तो हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है जब नॉर्मल पेपर आता है तो। एंड फॉर प्रीलिम्स आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट बुक के मॉक्स दे सकते हो, क्योंकि टेस्ट बुक का जो मॉक्स है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर प्रीलिम्स का पेपर बहुत ईजी आ जाता है एंड इट्स अंडरस्टूड कि अगर पेपर ईजी आ रहा है कट ऑफ वुड राइस, अगर पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ वुड गो डाउन। तो अगर इजी पेपर आ रहा है तो टेस्ट बुक के प्रीलिम्स के कुछ कुछ पेपर बहुत इजी होते हैं, तो अगर आप वो पेपर दोगे तो आपको पता है कि हाउ टू मेंटेन स्पीड, बिकॉज प्रीलिम्स इज अ लाइक स्पीड का ही खेल है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ही आप प्रीलिम्स क्रॉस कर पाओगे, एल्स यू विल लाइक आप नहीं क्लियर कर पाते हो प्रीलिम्स। अच्छा इस अगर हम इस सीजन के एग्जाम्स की बात करें, इस सीजन से मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2020 कोविड वाला जो साल था, इस साल आपने कौन कौन से एग्जाम दिए और अब सब में सब सारे आपने क्लियर कर लिए? मुझे ठीक से याद नहीं है आपके जो इनका परफॉर्मेंस था, किस सारे एग्जाम्स क्लियर करें आपने अभी तक? हमें पता है आपका आईबीपीएस में बहुत अच्छा स्कोर है, एसबीआई पीओ यू डिड वेल, बाकी एग्जाम्स में क्या हुआ, हो पाए सारे के सारे, सब सब कर दिया इस बार? एसबीआई क्लर्क से चालू किया था फेब 2020 में, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, फिर फास्ट फॉरवर्ड करते थे सितंबर में आया था आरआरबी पीओ, तो आई फेल्ड इन आरआरबी पीओ क्योंकि सर आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर आरआरबी पीओ, हां प्रीलिम्स आउट था सर मैं, आई वाज प्रिपेयर्ड, आई वाज कितना बुरा था वो, मतलब मैं क्यों आपसे ये पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल है, मुझे आइडिया था कि आप आपका कुछ खराब भी हुआ था बीच में, आरआरबी पीओ को कोई भी मानेगा कि एसबीआई पीओ से आसान है, आपने एसबीआई पीओ को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, आप आरआरबी पीओ में फेल हुए थे, यू नो एट टाइम्स आई फाइंड स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं सर मेरा आरआरबी पीओ नहीं हुआ तो एसबीआई में मेरा क्या चांस है, नहीं ऐसा कितनी बार आप ग्रुप पे भी देखते हैं, आपके ग्रुप पे भी हुआ होगा, सर मेरा इसका प्रीलिम्स रह गया मैं क्या मेंस में कर पाऊंगा, एंड यू नो दे काइंड ऑफ लूज इट एट दैट पॉइंट, उनको लगता है कि गुड फॉर नथिंग, कर ही नहीं सकते। आपका क्या व्यू है इसके बारे में रफीश, अपनी फेलियर के साथ में इवैल्यूएट करके हमें थोड़ा सा बताइए। सर आई वुड से कि इट वुड बी जस्ट अ बैड डे, कि अगर आपका दिन नहीं है तो आप उसे खराब कर दोगे, एंड क्योंकि ओके 95% इट्स योर हार्ड वर्क, लेकिन 5% कभी कभी लक का भी खेल रहता है, अगर आपका लक साथ में, अगर वो उस दिन है आपका तो आप उस दिन फोड़ दोगे, अगर आपका दिन नहीं है तो आप लाइक आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। आरआरबी पीओ में क्या हुआ था सर, इस बार उन्होंने हिंदी इंग्लिश साथ में कर दी थी, राइट राइट राइट, तो या सो इट वॉज सरप्राइज फॉर एवरी वन, और क्योंकि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, डे वन था, तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर इट, सो जब खुला पेपर तो लाइक इट वॉज अ शॉक, और इसलिए पेपर बिगड़ गया एंड आई वाज आरआरबी पीओ आउट इन प्रीलिम्स, सो फिर शॉक लगा होगा, कितना कितना आसान मुश्किल था उससे रिकवर कर पाना, कुछ तो शॉक था डेफिनेटली, इट वाज अ शॉक क्योंकि मैं लॉकडाउन वाज लाइक अ लॉन्ग पीरियड, 3-4 महीने 5 महीने का डिफरेंस था, और आई वाज प्रिपेयरिंग, उसके बाद भी मैं प्रीलिम्स आई न्यू कि इट वुड बी वेरी हार्ड कि मैं कट ऑफ क्लियर करूं, आई हैड ओनली 49 अटेम्प्ट्स, और तो मेरे को पता था कि बहुत मुश्किल है क्लियर करना, लेकिन ठीक है बुरा लगा था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, मातम बनाने का कोई मतलब नहीं, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, हमें पता है कि हारने से कुछ सीखना ही चाहिए हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल, तो दुखी होने का कोई मतलब नहीं था, लेट्स फोकस फॉर द नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट वीक आरआरबी क्लर्क था, आई सॉ लाइक आई डिड 78 इन इट एंड आई स्कोर्ड 77.75, इट वाज समथिंग लाइक दिस, तो आरआरबी क्लर्क मेरा क्लियर हो गया था प्रीलिम्स, उसके बाद मेरा आईपीएस पीओ था प्रीलिम्स, आई क्लियर आईपीएस पीओ प्रीलिम्स, फिर एकदम से शॉक लगा था, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ गया था 21 अक्टूबर को, एंड इन 10 डेज दे कॉल्ड अस फॉर द एसबीआई क्लर्क मींस, सो अब 10 दिन में कैसे तैयारी करें, तो अगेन 10 दिन में जीए तो हम प्रिपेयर थे नहीं, तो 10 दिन में जीए जितना प्रिपेयर कर पाई किया, जब रिजल्ट आया एसबीआई क्लर्क का मींस का तो आई मिस्ड बाय 0.25, सो एसबीआई क्लर्क फाइनल नहीं निकला इस बार, नहीं आई फेल्ड एसबीआई क्लर्क बाय 0.25, so अगर एक क्वेश्चन इधर उधर होता है would have been there, but so it happens, failure था, fail हुए, कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद SBI PO का prelims था, उस पे focus किया, ठीक है fail हो गए तो हो गए, कोई कुछ कर नहीं सकते, जो है सामने उस पे focus करना चाहिए, बिल्कुल, बट इसमें मैं बहुत ही खास बात देखता हूँ रविश, जो बड़ा important है, मतलब ये आप इसको observation बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपने आरआरबी पीओ फ्लंक किया इस बार, prelims में आप बाहर हो गए, जो भी रीजन था, आपने SBI क्लर्क फेल किया, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, और आपने SBI PO क्लियर किया,
मतलब आई स्टैंड विंडिकेटेड व्हेन आई टेल स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग के पास कई बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि मेरे को क्लर्क की तैयारी करनी है, मैं बोलता हूँ क्लर्क की तैयारी क्यों करनी है तुम्हें, अगर करनी है तो दोनों की करो ना यार, मतलब दे आर वेरी वेरी कनेक्टेड, वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर, थोड़ा बहुत फर्क होता है। एंड ऑन अ गुड डे वन कैन क्लियर द पीओ एग्जाम व्हाइल फेल इन द क्लर्क एग्जाम, हो सकता है बहुत सारे लोग पीओ बन जाए और क्लर्क में फेल हो जाए, हमारे पहले भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे। तो मतलब आपका भी एग्जाम्पल उस बिलीफ को स्ट्रेंथन करता है कि ऑन अ गुड डे यू कैन क्लियर अ पीओ एग्जाम, ऑन अ बैड डे यू माइट फेल इन अ क्लर्क एग्जाम। यू डेफिनेटली इन एसबीआई पीओ, आप अगले साल दो खराब दिनों, हो सकता है ये एग्जाम आप फिर से ना निकाल पाओ, ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आपके जो ये इसमें आपका अपना एक्सपीरियंस है, ये भी उस बिलीफ को और स्ट्रेंथन करता है कि आप अच्छे दिन पे कर सकते हो, खराब दिन पे सेम एग्जाम में आप रह सकते हो। मतलब आई बिलीव सबको जितने ये सिमिलर एग्जाम्स हैं वो साथ में करने चाहिए। एंड सर इट्स ऑल अबाउट कि हम पेपर अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं सर, बिकॉज हो सकता है कि एक क्वेश्चन इधर उधर, एक केस लाइट देख दिया, एक पजल मैंने इधर उधर किया, मैं मैसअप कर दूं और मेरा पेपर खराब हो जाए। सो लोग यहाँ स्टकअप होते हैं कि आप द फर्स्ट थिंग इज आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वो सिर्फ आप मॉक से सीख पाते हो कि आपको ट्रैप्स कैसे आइडेंटिफाई करने। सो आई यूज टू फेल बिकॉज मैंने कभी मॉक्स दी नहीं थी स्टार्टिंग में, मैं जब पास होना मैं चालू हो क्योंकि मैंने मॉक्स से बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया। तो दिस इज द थिंग, अगर अपन पीपल आर टेंड लाइक बोलते हैं कि आप एक काम करो मेंस का पेपर सबमिट कर दो, मेंस मॉक, एंड उसको पूरा सॉल्व करो। तो सर इसमें कोई समझदारी मुझे दिखती नहीं है कि आप एक तो मॉक परचेज करो और उसके बाद फिर आपको उसको सबमिट करो फिर पूरा सॉल्व करो, तो इसमें क्या सेंस बनता है? आपकी आपकी बॉडी आपका माइंड उस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो रहा है कि आप एक मेंस मॉक अपीयर करने वाले हो। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी आई वुड सजेस्ट, कि लाइक मुझे तो ये बहुत ही खराब चीज लगती है कि आप पूरा मेंस का मॉक सबमिट कर दो, पूरा सॉल्व करो बैठ के। इट्स बेटर कि आप उसको उसको एज अ पेपर लो, इसको एज अ एग्जाम ट्रीट करो, फिर बाद में रियलाइज करो। दिस वुड हेल्प यू रादर। कुछ ऐसा है जो आप बोलोगे कि मैंने अपने प्रिपरेशन में ऑप्टिमली नहीं किया, या फिर सम थिंग्स दैट आई थिंक आई शुड हैव डन बेटर, आई गॉट लकी, आई डिड वेल स्टिल, बट आई वुड वॉन्ट टू इम्प्रूव, और आई वुड सजेस्ट टू एस्पिरेंट्स ये वाली गलती ना करें जो मैंने करी। कुछ भी ऐसा है तो शेयर कीजिए हम लोग के साथ। हाँ सर, लाइक आई वुड सजेस्ट देम कि आप जीए में रिस्क ना लें, क्योंकि जीए इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। एसबीआई पीओ में उन्होंने 2 साल पहले का भी जीए पूछा, सो लेकिन इट्स ओके, दैट वॉज लाइक नेक्स्ट लेवल। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ईसीजीसी पीओ भी दिया था, आईयूपीएस क्लर्क मेंस भी दिया था। So, check, it's, people say कि आप 6 months का GA करो, but it's not like that. 6, 7 months, 8 months GA भी करना पड़ता है आपको। तो it's better कि आप हर week, आप जैसे जैसे weeks complete हो रहे हैं आप GA को revise करते चलो। If you can write daily, it's well and good. आप daily अपने register में लिख सकते हो daily current affairs क्या चल रहे हैं। But अगर किसी को सिर्फ reading की habit है या audio visual एक videos देख के सीखते हैं GA को, तो आप weekly कर सकते हो। लेकिन GA को एक कंटिन्यूस हैबिट में डेवलप करें, जैसे अपन मैथ्स को डेली करते हैं, रीजनिंग को डेली करते हैं, जीए को भी डेली करें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है पेपर में, एग्जाम्स में थ्रू एनी सरप्राइजेस टुवर्ड्स यू, यू नेवर नो। तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। एंड इवन डिस्क्रिप्टिव, सी मेरा हो सकता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरा शायद आई न्यू कि मैं शायद हैंडल कर लूंगा डिस्क्रिप्टिव को, लेकिन एवरी वन इज अ डिफरेंट। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस आप करते चले साइड बाय साइड। लाइक इफ यू कैन राइट एसे और टू एवरी वीक, इट वुड लाइक मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि अगर आपका 6 महीने बाद एग्जाम है, अगर अभी से आप तैयारी कर रहे हो, तो बहुत टाइम है आपके पास डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करने के लिए। और साइड बाय साइड आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, क्योंकि आप जब लिखोगे तो आप उसको पढ़ोगे भी। सो डिस्क्रिप्टिव पे और जीए पे आप कंटिन्यूस वर्क करने का थोड़ा फोकस करें। एंड थोड़ा पीपल यूज टू राइट, लोग लिख के प्रैक्टिस करते हैं जीए डिस्क्रिप्टिव की, तो आप टाइप करके प्रैक्टिस करेंगे अगर डिस्क्रिप्टिव की ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमें एग्जाम सेंटर में तो टाइप ही करना है ना। वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने बॉडी और माइंड को उस लेवल पे ले आए कि हम प्रैक्टिस भी ऐसे करें कि हमें असली पेपर देना है। सो दिस वुड रियली हेल्प अस, एंड दैट्स इट। दिस अगर मैं कुछ चीजों को मुझे ठीक करना होता तो मैं इन दो चीजों पे परफेक्टली वर्क करता। एक चीज के बारे में हमने बात नहीं करी, आपके इंटरव्यू के बारे में, कैसे तैयारी की थी, कितना तैयारी की थी, कितनी देर तक तैयारी की थी, और आपके दोनों इंटरव्यूज एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ कैसे हुए? आपके एसबीआई पीओ में आपने मार्क्स बताया 47, बहुत ही बढ़िया है आउट ऑफ 50। आईबीपीएस का इंटरव्यू कैसे हुआ था? तैयारी सर जैसे आपने हमें गाइड किया था, यूट्यूब पे गाइड किया था कि वी हैव टू गिव इनफ जूस टू द पैनलिस्ट। अगर हम अपने बारे में उनको अच्छे से नहीं बताएंगे तो जमाने भर की चीजों के बारे में पूछेंगे।
हाँ तो लकीली मेरे पास इतना जूस था उनके पास देने के लिए, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ वेरी वेल। मैंने अपने बारे में इतना अच्छे से तैयार कर लिया था कि मैंने उनको अपने बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था। तो उन्होंने उसी के आसपास के क्वेश्चंस पूछे, एंड SBI PO का जो इंटरव्यू था बहुत स्मूथली गया, देयर वर नो डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज सच। उन्होंने बहुत अच्छे से जो जो पूछा मैं उनको ऑलमोस्ट सब चीजों का जवाब दे पाया था। एंड वन मोर थिंग, हमें कॉन्फिडेंट रहना है, इट्स ओके। सी, हर इंसान को हर चीज पता नहीं रहती है, मुझसे मुझे भी नहीं पता थी कुछ चीजें, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंटली पोलाइटली बोल दिया कि मुझे इसके बारे में और पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू गो एंड रीड अबाउट इट। आप ये SBI PO के तो इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जिसमें आपके 47 out of 50 हैं कि आपने उसमें कुछ हाँ चीजें जी नहीं आंसर करी थी। हाँ जी हाँ जी, बट मैंने उनको पोलाइटली बताया था कि मैं बाहर जाके इसके बारे में और पढ़ूंगा। तो दे आर चेकिंग योर बॉडी लैंग्वेज, दे आर चेकिंग योर कॉन्फिडेंस। तो अगर आप अच्छे से इंटरव्यू पैनलिस्ट के सामने एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो डेफिनेटली यू स्कोर गुड। फिर मेरा जो IPS PO का इंटरव्यू था वो थोड़ा खराब चला गया था, बिकॉज उन्होंने मेरे सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रेस किया था, कॉलेज सब्जेक्ट्स पे। एंड एज आई वहां तो टोल्ड आपने यू कि पढ़ाई कॉलेज करी उन्होंने तभी करी नहीं पढ़ाई थी की कि नहीं हमने नहीं। तो हम उनको बोल दिया, हमने उनको मैंने बता दिया कि हम ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था कॉलेज में। स्टिल उन्होंने मुझसे दो चार चीजें जो पूछी मैं थोड़ा बता पाया। आई वॉज गुड इन अकाउंटेंसी, तो उन्होंने जब अकाउंटिंग पूछी तो मैंने अकाउंटिंग पूरी अच्छे से बता दी उनको। एंड उन्होंने जनरल करंट अफेयर्स पूछे, उन्होंने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में पूछा। तो रिसेंटली IDBI बैंक के जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से अभी आउट हुआ है, तो मैंने वो बताया। दिस वॉज लाइक एक दिन पहले की न्यूज थी, लेट इवनिंग में न्यूज आई थी, और नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था। तो दिस वॉज अ वेरी रिसेंट न्यूज, तो दे वर इम्प्रेस की थी, जस्ट 24 आवर्स पहले की न्यूज है, मुझे पता थी। तो दे वर हैप्पी, इट वेंट वेल। एक चीज इट्स मैं जरूर बोलूंगा जे रविश, डोंट माइंड, यू गॉट लकी इन द SBI PO इंटरव्यू, दे डिड नॉट ग्रिल यू ऑन एकेडमिक्स। कुछ बेचारों के साथ में यस ना सर, सिर्फ डेफिनेटली अकैड्स अकैड्स हो जाते हैं और इंटरव्यू खराब हो जाता है। सर दे आस्क्ड मी कि व्हाई आर योर ग्रेड्स डाउन, बिकॉज़ मेरा अच्छा, टेंथ का उन्होंने पूछा स्कोर था ये अच्छा है। आपसे? तो उन्होंने पूछा था, दे आस्क्ड मी कि आपका टेंथ का स्कोर अच्छा है, ट्वेल्थ का स्कोर अच्छा है, आपका कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का स्कोर अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर पहला सेमेस्टर होता है, बच्चे पढ़ लेते हैं, हमने भी पढ़ाई कर ली थी फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन उसके बाद फिर परसेंटेज धीरे धीरे डाउन होने लगा था। तो दे आस्क्ड मी कि आपका परसेंटेज डाउन किया, तो मैंने उनको सेम रीजन दिया था कि आई वॉज स्पेंडिंग माई टाइम ऑन फील्ड, और मुझे प्रैक्टिकल के और अटेंडेंस के मार्क्स नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए आउट ऑफ 70 में जितना स्कोर कर पा रहा था मैं कर पा रहा था, दैट्स इट। तो उसके बाद उन्होंने कैट से देन दे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे आपसे जब आपने बोला कि नहीं? नो 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 दे स्विच टू दी अदर टॉपिक। दे आस्क्ड मी व्हाई यू वांट टू बी अ बैंकर, व्हाई बैंकिंग। ग्रेट सो ग्रेट आई ग्रेट, टोल्ड बहुत देम अच्छा हुआ कि कि कई बार ऐसा होने के बाद भी ऐसा देखा गया है कि दे विल स्टिल आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एकेडमिक्स कि रवि यार यस, इतना तो बताओगे फिर भी। द थिंग इज बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी थी, मेरे पास सर्टिफिकेशन अच्छे थे, सो दे वर इम्प्रेस, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि इंसान दोनों चीजों को एक साथ उठाना बहुत मुश्किल रहता है। आप अगर को करिकुलर अच्छा कर रहे हो तो आप परसेंटेज आपको कहीं ना कहीं कैसे कैसे डाउन हो जाता है, बिकॉज उसमें भी टाइम दे रहे हैं, उसमें भी टाइम दे रहे हैं हम। तो आपको सो किसी दे को वर सजेस्ट हैप्पी। करना होगा अगर कोई ऐसे आप जैसा स्टूडेंट हो जिसको अपने अकैड्स पे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट यस अबाउट सर, देयर एकेडमिक्स, अबाउट देयर ग्रेजुएशन, एंड दे वांट टू अवॉइड क्वेश्चंस ऑन ग्रेजुएशन व्हिच इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। वी अंडरस्टैंड कि कई बार आपको करना ही पड़ेगा आंसर। तो आप क्या सजेस्ट यस करोगे, सर, आपने क्या ऐसा स्पेशल किया? देखो IBPS में तो आप फंस गए बट SBI में मतलब वी कैन कॉल इट चांस एज वेल, बट आपने अपने भी एंड पे आपने यस बोला सर, जैसे आपने अपने बारे में बहुत सारा तैयार किया, दैट मस्ट हैव यस हेल्प। सर, तो आप क्या बोलोगे कि अगर किसी को अकैड्स में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, अकैड्स ठीक से नहीं किया या पढ़ाई नहीं की है, तो क्या दो तीन चीजें करें इंटरव्यू में ध्यान रखने के लिए जिससे चांस मिनिमाइज हो जाए कि अकैड्स में वो घुस पाए? अगर आप उसमें कुछ भी आपका उनको सजेशन है तो बताइए। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि पैनलिस्ट वो डायनेमिक क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपके बैंकिंग अवेयरनेस से पूछेंगे, वो आपके पर्सनल HR क्वेश्चंस भी पूछेंगे। एंड अगर आपके कोई को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आपके कोई सर्टिफिकेट्स हैं, एनीथिंग लाइक दैट, उससे भी क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर हम उन चीजों पे परफेक्टली आंसर दे सकें, ओके फाइन, इफ यू हैव नॉट डन गुड इन अकेडमिक्स, लेकिन आप बाकी सब चीजों में अगर अच्छे से होल्ड बना लो, तो फिर वो उसी चीजों में ज्यादा, क्योंकि उनको और मजा आने लगता है। अगर आप से फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मैंने एक सर्टिफिकेशन किया था इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर, सो उनका पहला क्वेश्चन उसी चीज से था कि आपने ये किया है, एक्सप्लेन दिस। तो मैंने उनको उसके बारे में इतने अच्छे से बता दिया था कि उन्होंने फिर उसी के आसपास चीजों से पूछा। तो दे ऑल्सो हैव अ लिमिटेड टाइम, उनके पास भी 10 से 15 मिनट है एक इंटरव्यू लेने के लिए। अगर मैं ज्यादा टाइम उसी चीज पे लगा दूंगा अच्छे से बताने में, जो मेरे को अच्छे से आता है, तो वो अकेडमिक्स उतना एंटर करेंगे नहीं। सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ एक ट्रिक है छोटी सी, जिससे आप थोड़ा इस चीज को अवॉइड कर सकते हो।
मे बी वर्क मे नॉट वर्क, लेकिन रिस्क ले सकते हैं अपन, और क्या ऑप्शन है. ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट। यस सर. अब क्या प्लान है रवीश, अब क्या करोगे? वेरी हैप्पी विद योर करंट स्टेट, एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर। सर हाँ है प्लान अभी, क्योंकि कॉलेज में अच्छे मार्क्स तो है नहीं, हाँ सो पहले एक मास्टर्स करना है. इस बार थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करके मास्टर्स कंप्लीट करेंगे हाँ ताकि आरबीआई ग्रेड बी के इस लिए बार पढ़ाई एलिजिबल हो करोगे जाए ठीक से, लेकिन मास्टर्स करोगे, ग्रेजुएशन तो ठीक से किया नहीं है। सर, क्योंकि अब थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है ना सर, क्योंकि तब थोड़े बच्चे थे, लाइक जब आप टीन ही थे जब कॉलेज में एंटर किए थे, अब हाँ थोड़ी मेच्योरिटी आ गई, अब चीजों की थोड़ी कदर वैल्यू आ गई है, और अब इतनी मेहनत करी है एसबीआई पीयू बनने के लिए, तो पता है कि इसकी इन चीजों की भी बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में. लाइक एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, आपके एकेडमिक से लेके आपके सारे सर्टिफिकेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो अब मास्टर्स करेंगे, और मास्टर्स सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, नॉलेज गेन करने के लिए करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे को लाइफ में हेल्प करेंगे. लाइक हाँ इफ आई एम फोकसिंग ओवर अ बिग थिंग, इफ आई एम फोकसिंग ओवर आरबीआई ग्रेड बी, इट इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया. तो अगर मैं इतनी बड़ी चीज के लिए एम कर रहा हूँ, तो मुझे उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी सर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ी लर्निंग है कि आप बोल रहे हो अब मैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं पढ़ूंगा, नंबरों के लिए नहीं पढ़ूंगा, सीखने के लिए पढ़ूंगा। हाँ, वंडरफुल सीखने के लिए न्यूज़। पढ़ूंगा सर, डेफिनेटली. आगे का कोई प्लान, कोई और एग्जाम एग्जाम देना है, कुछ करना है कुछ और मास्टर्स के अलावा? मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आरबीआई ग्रेड बी पे फोकस रहेगा, ओके एंड गॉड फॉरबिड अगर मैं वो चीज नहीं कर पाया हूँ, तो आई वुड गिव माय बेस्ट फॉर एसबीआई. लाइक आई एम नॉट दी वन पर्सन कि मैं सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए सब 6-7 घंटे की हाँ नौकरी करना चाहेंगे. आई कैन हाँ गिव माय 10 आवर्स 11 आवर्स फॉर दी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी ग्रो होगा तो साथ साथ मेरी ग्रोथ भी होगी करियर में. बिल्कुल क्योंकि सर एसबीआई खुद अपनी वेबसाइट पे लिखता है कि दे डोंट वांट एम्प्लॉयज जो से 9 से 5 काम करें, दे वांट डायनेमिक एम्प्लॉयज, और दे आर पेइंग अस वेल. लाइक दिस राइट। इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन बैंकिंग सेक्टर एसबीआई पीओ. अगर आप कमर्शियल बिल्कुल बैंकिंग की बात करो तो वो आपसे उतनी मेहनत भी करवाना चाहते हैं. अगर आप उतनी मेहनत कर सकते हो, आप उतने पोटेंशियल है, सो लाइक दिस इज द बेस्ट जॉब. आप इंटरनली बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो एसबीआई में गुड गुड गुड। रवीश व्हाट आर यू, 22 23 लाइक दैट, जस्ट दैट योर ग्रेजुएशन? सर. यस आई एम 23 राइट नाउ. यू आर वंडरफुल, आई एम श्योर यू हैव अ फैबुलस करियर अहेड ऑफ यू। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू सर. टॉकिंग टू अस, आपने हमें बताई सारी चीज़ें, कुछ बताई। आई एम श्योर ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो कुछ और लोग कुछ चीज़ें पूछेंगे, तो आप उनको भी गाइड कर दीजिएगा। एंड विश यू अ डेफिनेटली थैंक यू फैबुलस सर. करियर अहेड। आई एम श्योर बहुत ही बढ़िया करियर आपका वेट कर रहा है एसबीआई में। एंड हु नोज समथिंग लाइक आरबीआई ग्रेड बी गोइंग फॉरवर्ड, एज यू सेड, आप 2 3 साल बाद उसको दोगे। तो विश यू ऑल द यस सर. बेस्ट। बहुत ही खुशी हुई थैंक यू आपसे सर. बात करके, मज़ा आया बात करके। आई जस्ट सेम होप ही सर. दैट यू कीप डूइंग रियली वेल इन लाइफ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक सर. यू सो मच फॉर थैंक टॉकिंग यू. टू अस। थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.